नमस्कार। एक छोटी सी कहानी जो मैंने पढ़ी है और मैं पेश कर रहा हूं, कुदरत के दो रास्ते। एक बच्चा दोपहर में नंगे पैर फूल बेच रहा था, उसी से लोग मोल भाव भी कर रहे थे। इसी सबको एक व्यक्ति ने देखा और देखा कि ये बच्चा फूल बेच रहा है और नंगे पैर, और गर्मियों का मौसम था, तो उसको ये सब देख के बड़ी ही परेशानी पीड़ा हुई। तो पास में ही एक जूते की दुकान से उसके लिए जूते ले आया और उस बच्चे से कहा कि बेटा, ये जूते हम आपके लिए लाए हैं और आप इनको पहन लें। उस बच्चे ने देखा कि ये जूते हमारे लिए लाए हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी जूते ले लिए और पहन लिए। पहनने के बाद उस बच्चे ने, वो जो सज्जन व्यक्ति थे जो जूता उसके लिए लाए थे, उनका हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़कर पूछा, क्या आप भगवान हैं? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं भगवान नहीं हूं। तो उस बच्चे ने फिर से कहा, तो आप भगवान के दोस्त होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं कुछ नहीं हूं। तो उस बच्चे ने कहा कि कल ही मैं शाम को भगवान से अरदास की थी, प्रार्थना की थी कि मुझे एक जोड़ी जूता आप दिलवा दें, और आज आप ये जूते मेरे लिए लाए हैं, तो जरूर आप भगवान के दोस्त जरूर होंगे। वह व्यक्ति आंखों में पानी लिए मुस्कुराता हुआ चला गया, पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुदरत ने दो रास्ते बनाए हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ, साथ लेकर के जाने का कोई व्यवस्था नहीं है। धन्यवाद।